खतरनाक लग रहा भाई। वाह, मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आ चुके भाई कटक, पहुंचने वाले हम कटक। यहाँ से मात्र बचा है 50 किलोमीटर। यहाँ तो भैया जी बताते, हम लोग कटक जो वहाँ से बना खा के निकले थे ना जब, तो वहाँ से मात्र 300 किलोमीटर कटक था, 300 किलोमीटर, जिसमें अभी करीब 50 किलोमीटर अभी बाकी है, 50 किलोमीटर बाकी है। मात्र पूरी रात में गाड़ी बंद भी कहीं नहीं, खड़ी भी नहीं की, पूरी रात में गाड़ी चली 250 किलोमीटर। और कटके यार ये वाली रोड तो अभी बढ़िया से आ गई यार, यहीं बस जैसे बढ़िया ही तभी वीडियो बनाना चालू किया, तभी रात भी थी। तो भाई मैं बताते, इतने बड़े बड़े गड्ढे भाई, इतने बड़े बड़े गड्ढे, जैसे गांव में जो गांव वाले होगा उनको मालूम होगा, जैसे गांव में सरकारी लैट्रिन के लिए गड्ढे नहीं खोलवाते 3x3 के, उतने बड़े बड़े गड्ढे। रात में तो गाड़ी पलट भी गई, अपनी भी बची पलटते, तो गाड़ी पलटी पड़ी थी भाई। यहाँ ये चेक करो, फिर आ गए, अभी रोड का काम चल ही रहा है, इधर तो कुछ भी नहीं है भाई। भाई क्या धुआं फेंक रहा भाई, फिल्टर क्लीन हो रहा है, फिल्टर अपने में भी होता है, फिल्टर क्लीन हो रहा भाई। ये देखो भाई, ये पता नहीं कौन सा गांव है, कहीं बोर्ड वगैरह तो दिख नहीं रहा, नहीं बताते हम आपको। तो चलिए भाई 50 किलोमीटर और चल लेते हैं, कटक वाली रोड पे पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलो भाई, भाई इधर चेक करो, पहाड़ों के बीच से सूरज निकल रहे हैं, ये देखो, ये देखिए भाई क्या खतरनाक लग रहा भाई। वाह, ऐसा लग रहा ज्वालामुखी फट रहे भाई, पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं सूर्यदेव, देखा कितना खतरनाक व्यू आ रहा है भाई, गजब। ये घर मस्त बनाए वाला घर पहाड़ों के बीच में, और बस भाई मैं कटक पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा बचा है कटक। और पानी देखो यार, चारों तरफ यहाँ पानी पानी नजर आ रहा है, ये देखो इधर भी, ये देखिए भाई क्या ही खूबसूरत। ये आ चुका भाई कटक, ये फ्लाईओवर है रेलवे क्रॉसिंग का लोहे वाला, और ये कटक आ चुका भाई अपना, ये चेक करो भाई, कटक आ चुके भुवनेश्वर के पास, ये कटक 10 किलोमीटर बचा है। रास्ता देखो कितने मस्त है भाई, गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं, कार वार तो इसमें निकली ना पाए, फंसी जाए ट्रक को भी, ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा भाई। ये 4 लेन आने वाला है, बस थोड़ी देर और है, 2 मिनट। ये आ चुका भाई, हाँ थोड़ा सा गलत आ गया, मैं नीचे जाना था, हम ऊपर आ गए, अभी भुवनेश्वर की तरफ जाएगा, ये जा रहा सीधा भुवनेश्वर की तरफ, हमें जाना था यार इधर कलकत्ता की तरफ, यूटर्न करते हैं कहीं से। आ गए भाई कोलकाता वाला हाईवे, एकदम 4 लेन 6 लेन पूरा बना है, कहीं 4 लेन है कहीं 6 लेन है, यहाँ तो अभी 6 लेन है। भैया जी ये यहाँ से सीधा 400 किलोमीटर सीधा कोलकाता है, 400 किलोमीटर बचा है, 2400 किलोमीटर का सफर था, 2000 किलोमीटर हम लोगों ने तय कर लिया, अभी बचा है 400 किलोमीटर, वो भी पहुँच जाएंगे आराम से, और रात में गाड़ी खाली अगर होगी तो करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ की लोडिंग हो गया, अभी चलते हैं कोलकाता फिलहाल। और यहाँ का व्यू देखिए क्या ही मस्त है, इधर ना भाई बारिश बारिश ज्यादा होती है, इसलिए पूरा पहाड़ पहाड़ पूरे एकदम हरा भरा पूरा इलाका रहता भाई, ये देखो आप। तो भैया जी देखिए ट्रक कहीं पे कूद गया है, रोड के नीचे चला गया, देख सकते हैं। वाह वाह वाह,
ये हम आ चुके हैं बालेश्वर हमारा। तो भैया जी दोपहर के करीब 1 बज रहे और हमारा खाना बन के रेडी है, तो दिखाते हैं क्या बना है। रोटी बनाने में तो होती दिक्कत भाई, अरे फोकस कैमरा, फोकस फोकस, रोटी बनाने में होती दिक्कत। तो बने चावल और सब्जी, देखो कौन सी बनी है भाई आज, राइस दिखाते हैं। आप लोग भी देखिए, आ जाइए भाई, आप लोग भी बनाए हैं टमाटर की चटनी, वो भी मसालेदार वाली, आप लोग भी खा के देखना। तो भैया आज बनी मसालेदार टमाटर की चटनी, सब्जी खा के उब गए, इच्छा किया जी बोले जी भैया टमाटर की चटनी बना लेते हम, टैलेंट टॉप वाली, चलो बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आइए देखते हैं कैसी टेस्टी बनी है। हाँ तो ये रही टमाटर की चटनी भाई, रुक जाओ बस हमें क्या, पहले खाक चेक करिए उसके बाद बताएंगे, हाँ बाद में दियो और। ओए होए होए, नमक डाल लो कम है कम, मैंने हिसाब से एकदम ठीक से दिख रहा है, थोड़ा कम है था, बढ़िया बन यार। तो नमक डाल के थोड़ा टेस्ट बढ़ाया जा रहा भाई, क्योंकि हम लोग पहले नमक डालते नहीं, बाद में नमक डाल के खाएंगे। हाय जोस, हाँ बढ़िया भाई टेस्टी। तो हम लोग खाना खा के निकलते हैं यहाँ से, मुश्किल कितना 250 किलोमीटर बचा है, रात में नो एंट्री रहती इसी हिसाब से, शाम को 9 बजे खुलेगी भाई, तभी खाली होगी गाड़ी, 10-11 बजे खुलेगी लगभग, बस तक पहुँच जाएंगे। चलो भाई खा के निकलते हैं यहाँ से, देख सकते हो भैया इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, दबा के यहाँ पे मोदी जी का झंडा दिख रहा है, भाजपा जय मोदी जी। भैया जी हम लोग कोलकाता पहुंचने वाले हैं, मात्र 40 या 50 किलोमीटर बचा, अभी तो वोट तो दिखा रहे, और हम लोग फाइनली करीब 2,350 किलोमीटर का सफर करके फिर से कोलकाता पहुंचने वाले हैं। कितना बजा? 132 किलोमीटर कोलकाता भी 132 है, नींद में उठा हूँ मैं, हो सकता है इधर उधर हो गया हो भाई, क्योंकि गाड़ी चला रहा भी था। ठीक है भैया, हम फिर से कोलकाता पहुँचने वाले हैं, और हम लोग वहाँ से निकले थे 14 तारीख को शाम को, 8:17 की शाम को पहुँच जाएंगे, मतलब समझ रहे हो, मान लो 15, 16, 17 3 दिन लग गए हमको आने में यहाँ तक, 2,350 किलोमीटर का सफर करने में। अगर रात में रुकते नहीं है या फिर जल्दी जल्दी आते तो और थोड़ा, मान लो आज सुबह तक आ जाते, इतना जल्दी हो सकता था, बस इससे जल्दी नहीं हो पाता। तो देख सकते भैया कोलकाता फिर से आ गए, फिर से बैरियल वगैरह रोड पे लगे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का तो सिस्टम ही यही है भाई, डंडा लिए प्रधानमंत्री खड़े हैं वहाँ पे। चलो आराम से आराम से भाई साहब, कोलकाता आने वाला है फिर से, और हम लोग कोलकाता से फिर शायद दिल्ली की तरफ जाएंगे, गुवाहाटी के लोड हो गए तो मजा आ जाएगा भाई, गुवाहाटी बहुत दिन से नहीं गए, करीब हो गए 2 साल लगभग हो गए गुवाहाटी नहीं गए मैं, देखते हैं कब जाने को मिलता है गुवाहाटी। तो भैया जी देख सकते हैं शाम के करीब 5 बज रहे हैं, और हम लोग खाना फिर खाना चालू कर दिए, क्योंकि भूख लग गई थी, चावल ही बनाया था, चावल ही खाए थे, तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, पंखा चलाओ गर्मी बहुत है यार, बंगाल में गर्मी बहुत है, ये चीज है, बारिश बेशक ज्यादा होती है पर यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ए भाई कोलकाता की खूबसूरती, वाह घर भर यहाँ पे मस्त बने हैं, और इधर के हाईवे भी एकदम लल्लन टाप है भाई, सही ना भाई, बढ़िया है भाई, देखो एकदम 6 लेन बना है मस्त। ये वो रास्ता है जो गोल उधर से आता है कटक की तरफ से, भुवनेश्वर की तरफ से वो वाला रास्ता है, इधर तो मस्त है एकदम भाई, इधर घर वर देखो मस्त, ये कोलकाता की पब्लिक पूरी फ्लाईओवर के ऊपर आ चुकी है भाई, यहाँ पे सब लोग एंजॉय ले रहे हैं भाई, पानी देखो इधर
ये वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब चल रही भाई। ओए ओए वाह भाई, पंप पे मस्त व्यवस्था है नहाने धोने की। हम लोग यहाँ नहा धो लिए, यहाँ पे देखो पंप पे क्या मस्त साफ सफाई, और इधर नहाने की व्यवस्था। नहा धो लिए मस्त भैया, हम निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि नो एंट्री के खुलते ही हमको अंदर घुस जाना है। फिर साथ व्यवस्था मस्त थी ना पंप पे नहाने धोने की, यार दिन में यार नहाए भी नहीं थे, अभी नहा लिए, एकदम ठंडा फील हो रहा। तो चलिए भाई निकलते हैं यहाँ नहा धो तो लिए। भाई जी देख सकते हैं हम लोग कोलकाता पहुंच गया, ट्रैफिक देखो कितना भयानक लगा हुआ है, और हम लोग को नो एंट्री के अंदर जाना है। तो नो एंट्री तो वैसे खुलने वाली है, अब 10 बजने वाला है। फिलहाल हम लोग यहीं खड़े हैं और लोकेशन आने का समय वेट कर रहे हैं। जैसे लोकेशन आएगी जाएंगे। और हम लोग ने आज शाम का बना लिया क्या, कुंदरू भैया, कुंदरू की सब्जी बना लिया है। हम लोग खाली यहाँ से खा पी के निकलेंगे, जाके खाली कराएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आज के वीडियो बस यहीं तक भाई। तो कैसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे कहीं चलिए भाई, मिलते मिलते शिवजय में, तब तक के लिए बाय बाय।